ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में और एक शिव भक्त के कर्तव्यों के बारे में। स्पेशली तो देखिए, ये चैनल ही पूरा भगवान शिव के भक्तों के लिए समर्पित है, इसलिए हम बात करेंगे केवल और केवल भगवान शिव के विषय में, जो भगवान नारायण से संबंधित है या फिर सूर्य भगवान से संबंधित है। उन सभी उपायों को तो लोग जानते ही हैं और करते भी हैं, किंतु भगवान शिव के भक्तों को मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए, बहुत ही दुर्लभ चीज है। और मुझे जहां तक लग रहा है, आप बहुत सारे शिव भक्त इन चीजों को पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, पहले बात कर लेते हैं मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति अब की बार 14 जनवरी को नहीं है, 15 जनवरी को पूरा दिन ये व्याप्त रहेगी और 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। सुबह 7:15 से लेकर के 12 बजे तक का जो पुण्य काल है ये रहेगा। दान वगैरह के लिए आप इस समय को प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इस समय को आप प्रयोग कर सकते हैं शिवलिंग पूजा के बारे में। शिवलिंग पूजा करके भी आप इस विशेष समय का लाभ उठा सकते हैं। अब कितना क्या पुण्य है और क्या क्या एक शिव भक्त को करना चाहिए मकर संक्रांति पर, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। किंतु एक संक्रांति होती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वो संक्रांति कहलाती है। अब इसमें दो पार्ट है सूर्य के। देखिए, जो इनकी गति है वो दक्षिण और उत्तर की मानी गई है। उत्तरायण बहुत ही, मकर संक्रांति जैसे ही आती है तो उत्तरायण इसे कहा जाता है। उत्तरायण बहुत विशेष समय होता है और बहुत ही शुभ समय भी होता है, इसलिए आप सभी शिव भक्तों को इसका लाभ उठाना है। देखिए, जब भीष्म पितामह सरसैया पर थे तो वो उसी समय प्राण त्याग सकते थे, किंतु उन्होंने प्रतीक्षा की उत्तरायण होने की, सूर्य के उत्तरायण होने की। और जब जैसे ही सूर्य उत्तरायण में गए, यानी मकर संक्रांति हुई, उस मकर संक्रांति पर ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यौगिक विधियों, यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उन्होंने अपने आप को जीवित रखा उस समय तक और सूर्य की प्रतीक्षा की उत्तरायण होने की। अब सूर्य की गति उत्तरायण से प्रारंभ होके हल्की सी उत्तर की ओर झुक जाती है। सूर्य हल्के से उत्तर की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं। ये जो इनके रथ की प्रक्रिया होती है, ये बहुत लंबी सब बात है, बहुत ही डिटेल की बातें हैं, फिर भी मैं थोड़ी बहुत इस वीडियो में आगे बताऊंगा। 6 महीने के गैप में ये दो विशेष संक्रांति आती है, एक ये उत्तरायण की है और दूसरी दक्षिणायन की। दक्षिणायन यानी धनु संक्रांति में जब सूर्य होते हैं तो हल्के से दक्षिण की ओर झुके हुए दिखते हैं, और जब उत्तरायण होता है यानी मकर संक्रांति से, अब मान लीजिए रातें बड़ी होती थी तो अब दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। और जब दक्षिणायन में सूर्य होते हैं यानी धनु संक्रांति में होते हैं, तब रातें बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं और दिन छोटे होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं शिव भक्तों के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सूर्य के बारे में बता दूं। एक बहुत ही विशेष कथा है, आप बहुत सारे शिव भक्तों ने शिव पुराण में इसे पढ़ा भी होगा। देखिए, सूर्य की गति 3 प्रकार की बताई गई है, जो है शीघ्र, मध्यम और सम। ये उत्तरायण, दक्षिणायन और तीसरा है विषुवत। विषुवत वो होता है जब दिन, एक समय ऐसा आता है ना साल में जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, वो विषुवत समय कहा जाता है। अब सूर्य की गति 6 ऋतु और 12 महीने प्रकट करती है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य का रथ केवल एक पहिए का है। उसका सिरा सुमेरु पर्वत के ऊपर रहता है और दूसरा मानसोत्तर के ऊपर रहता है। उनका रथ तेल पेरने के कोलू के समान चारों ओर घूमता रहता है। सूर्य के घोड़ों को छंद और सारथी को अरुण कहते हैं। अरुण के बारे में आपने सुना होगा। उनके रथ के आगे आगे अंगूठे के बराबर आकार वाले 60,000 बालखिल्य ऋषि उच्च स्वर से वेद मंत्रों का पाठ और सूर्य की यश का वर्णन करते हुए चलते हैं। बालखिल्य ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, जब गरुड़ अमृत कलश लेने गए थे तो एक पेड़ की टहनी पर भी वो लटके हुए थे। ये बहुत सारी डिटेल्स की बातें हैं, अलग अलग एक ही प्रसंग से अनेकों अनेक कथाएं निकल कर आती हैं, किंतु अभी हम बात कर लेते हैं केवल सूर्य के बारे में। सूर्य के रथ का विस्तार 900 योजन है, वो 1,00,000 योजन ऊंचा है। इस प्रकार सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और आनंद प्रदान करते हैं। ये बात कौन बता रहे हैं? बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी। और किसको बता रहे हैं? नारद जी को। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, सूर्य ने ऊंचा पद
प्राप्त किया है भगवान सदाशिव का तप करके। अब बात देखिए घूम फिर कर वहीं आ जाती है जो हमें करनी है। सूर्य को भी वो प्रभुत्व प्राप्त हुआ केवल शिव की ही कृपा से, और हमें भी कुछ इस जीवन में प्राप्त करना है वो है भगवान शिव की कृपा से। इसलिए शिवलिंग पूजा हमें इस विशेष पर्व पर अवश्य ही करनी है। और शिव धर्म पुराण में मकर संक्रांति के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं छोटे छोटे उपाय और जो हमें कार्य है शिव भक्त होने के नाते हमें करने हैं, जो हमारे शैव शास्त्रों में लिखे हुए हैं उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। देखिए समय वही बेकार होता है, वही व्यर्थ होता है, और वही सबसे घटिया समय होता है जिसमें भगवान का नाम नहीं लिया जाता, और भगवान की पूजा अर्चना उनसे संबंधित हम कुछ ना कुछ नहीं करते हैं, वही समय सबसे बेकार होता है। और वही ऐसा समय जानना चाहिए जो दुख का कारण बनता है। इसलिए सतत अपने हृदय में शिव को स्थापित रखिए, शिवलिंग पूजा करिए, यही सबसे उत्तम उपाय है। अब बात कर लेते हैं तिल के बारे में। देखिए मकर संक्रांति पर तिल का दान बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। हर प्रकार की पूजा, चाहे शिव की पूजा हो या फिर सूर्य की पूजा हो, आप तिल का दान अवश्य ही करें। साथ ही आपको तिल मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक के बारे में फिर बता दूं कि लिंगम के ऊपर एक बेलपत्र या फिर कोई पुष्प वगैरह कुछ आप रख लीजिए, फिर उसके ऊपर आप अभिषेक करिए। नमः शिवाय से भी आप अभिषेक कर सकते हैं और महामृत्युंजय से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या जो कोई भी स्तोत्र आपको आता हो उसको पढ़ते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे भगवान शिव की स्तुति करते हुए आप लिंगम पर तिल मिश्रित जल से अभिषेक करिए। साथ ही आपको शिवलिंग पर कुछ थोड़े बहुत तिल भी अर्पित करने हैं और अपने पितरों का उद्देश्य करके तिल लिंगम पर अर्पित करिए। इससे आपकी सभी आपदाओं का नाश होगा, सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होंगी, साथ ही आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। पितरों की कृपा के बारे में बात करते हैं, आपको पितरों का उद्देश्य करते हुए शिवलिंग का अभिषेक भी करना है। चाहे आप तिल मिश्रित जल से कर लीजिए या फिर आप सिंपल जल से भी आप कर सकते हैं, या फिर कुसा मिश्रित, जो कुसा होती है, जो डाब होती है, उसे जल में मिला करके उससे भी आप शिवलिंग का अभिषेक करिए और अपने पितरों की उद्धार की कामना आप करिए, शिवलिंग पर अभिषेक करिए। बहुत विशेष समय है मकर संक्रांति का, इसलिए इस समय पर की गई पूजा बहुत पुण्यकारी होती है, अक्षय पुण्य देने वाली होती है और तुरंत प्रभावशाली भी होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर अपने पितरों का उद्देश्य करते हुए आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जिस दिन पर्व काल हो यानी चतुर्दशी हो या पूर्णिमा हो या फिर अमावस्या हो या फिर अष्टमी हो या फिर संक्रांति हो, उस दिन दान उपवास के नियमों का पालन करके पूजा जागरण या भोजन सहित महास्नान की विधि से शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान को आप महाअभिषेक कर सकते हैं अनेक प्रकार के द्रव्यों से, दूध दही घी शहद या फिर आप अन्य बहुत प्रकार के जूस वगैरह, जो गन्ने का जूस होता है, या फिर आप नेचुरली तरीके से अपने घर पर या अपने हाथ से यदि जूस किसी भी फल का निकाल करके उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। आप अष्टांग जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आप एक साथ एक ही दिन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने पर, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, पूरे जीवन काल में की गई पूजा अर्चना का जो फल होता है वो पर्व काल में भी प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति भाव से यदि आप महाअभिषेक करते हैं भगवान का, अनेक प्रकार के द्रव्यों से आप उन्हें अभिषेक्त करते हैं, तो पूरे जीवन में की गई किसी की पूजा के बराबर केवल आप एक ही दिन में उतना पुण्य कमा सकते हैं, वो भी जो पर्व काल मैंने आपको बताया, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं इन विशेष समय में। और महाद्रा नक्षत्र, उनकी तो बात ही क्या है, आद्रा नक्षत्र तो हम हर महीने इस चैनल पर कवर करते ही हैं। इन विशेष समय में शिवलिंग पूजा की गई पूरे जीवन काल में की गई पूजा के बराबर होती है। इसलिए जितना भी सामर्थ्य हो, ऐसा नहीं कि आपका सामर्थ्य नहीं तो आप दुख पा करके भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति भाव से जितना जितना भी आपसे बन पड़े उतना आप करिए, भक्ति भाव से करिए और भगवान के सानिध्य को समझते हुए इस चीज को करिए, तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करने के बारे में।
तिल के तेल में ऐसा लिखा हुआ है कि हाथ से चलाए जाने वाले कोल्हू से निकाले गए तिल के तेल से शिवलिंग को स्नान कराने वाला वायुलोक को जाता है, यानी उसे वायुलोक प्राप्त होता है। वायु के बारे में बात करें तो देखिए, वायु जो वायुदेव हैं, उन्होंने बहुत सारे रहस्य उजागर किए हैं शिव महापुराण में। वायुदेव स्वयं एक बहुत बड़े शिव भक्त हैं, और वायु पुराण में एक जो अलग ही पुराण है शिव महापुराण से, उसमें बहुत सारे रहस्य भी उजागर है भगवान शिव से संबंधित। जो तिल के तेल से अभिषेक करता है वो वायुलोक को प्राप्त करता है। अब इससे बात करते हैं आरती के बारे में। जितने भी पर्व मैंने बताए हैं, ये जो अष्टमी वगैरह चतुर्दशी, इनमें जो शिव के निमित्त कर्पूर से आपको आरती अवश्य ही करनी है। कर्पूर की आरती के बारे में क्या लिखा है, भगवान की जितने पर्वों तक विधिवत भगवान शिव की आरती की जाती है, उतने ही 1000 वर्षों तक आरती करता, जो आरती करने वाला है, वो रुद्रलोक को प्राप्त करता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले कर्पूर की आरती भगवान शिव के सामने, लिंगम के सामने, आप अवश्य ही करिए। अब बात करते हैं घी से अभिषेक के बारे में। संक्रांति के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या फिर संक्रांति होने पर या फिर किसी पुण्यदायी अवसर पर, जो पर्व काल होते हैं उन पर, या फिर अद्रा नक्षत्र पर जो घी का अभिषेक करता है उसे महापुण्य प्राप्त होता है। इसलिए शिवलिंगम का आप घी से भी अभिषेक इस संक्रांति पर कर सकते हैं, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। और संक्रांति पर तो इस मकर संक्रांति यानी उत्तरायण पे तो ऐसा लिखा हुआ है कि इस पर किया गया दान पुण्य या फिर पूजा अक्षय फल देने वाली। अब बात कर लेते हैं पितरों के उद्धार के बारे में। पितरों के उद्धार के बारे में मैंने पहले ही बताया कि पितरों को उद्देश्य करते हुए आप लिंगम को अभिषेक करिए, तो इससे आपके पितर जो किसी यदि निम्न अवस्था में है तो वो शिवलोक को प्राप्त करेंगे, रुद्रलोक को प्राप्त करेंगे। अब दूसरा इसका उपाय है पितृ स्तोत्र। देखिए लिंक यहाँ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस स्तोत्र का पाठ आप पहले भगवान का अभिषेक करिए, लिंगम का अभिषेक करिए, और फिर वहां लिंगम के सामने बैठ करके आप उस पितृ स्तोत्र का पाठ करिए और भगवान से प्रार्थना करिए अपने पितरों के उद्धार के लिए और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है और इस मकर संक्रांति पर तो आपको इसे अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो जो बात है वो ये है कि आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना है इस मकर संक्रांति पर। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं चूकनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ में आप उसे प्राप्त कर लेंगे, या फिर पहले भी मैंने ये किसी एक वीडियो में दिया है शायद, किंतु पुनः लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट हो सके तो निकाल लीजिए, पहले है तो अच्छी बात है। इस मकर संक्रांति पर आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना है। बहुत ज्यादा सहस्त्र नाम, यूं मान लीजिए आपकी पूरी संपूर्ण पूजा होती है, 1000 नामों द्वारा आप भगवान की स्तुति करते हैं। इसलिए केवल एक ही पाठ करिए, किंतु ये बहुत इफेक्टिव तरीका है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का। शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप घर पर कर लीजिए, या फिर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी कर लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप करिए, किंतु एक पाठ तो अवश्य आपको इसका करना है। अब इससे आगे बात करते हैं पुनः पितरों के बारे में, और बता दूं मैं आपको। देखिए जो आप भगवान का अभिषेक करेंगे पितरों के उद्देश्य से, उसमें थोड़ा गंगा जल आप मिला लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं, एक भगवान शिव का एक मंत्र है जो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के लिए है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, फिर यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूँ। ये मंत्र आप बोलते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। शिव का ही मंत्र है, भगवान शिव के ही स्वरूप हैं सूर्य, सोम सूर्याग्नि लोचनाय, जो 3 नेत्रों में से 1 नेत्र सूर्य भी हैं। इसलिए इस मंत्र को बोलते हुए आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य कैसे देना है, ये अष्टांग द्रव्य से आपको देना है। ये वो वाला अष्टांग नहीं है जो हम लिंगम का अभिषेक करते हैं, दूसरी चीजें हैं। ये मैं आपको बता दूं, जल सबसे पहला है, जल, फिर उसमें दूध, कुसा का अग्रभाग, घी, मधु, दही, लाल कनेर का फूल और लाल चंदन। अभी बता रहा हूँ, एक दो दिन में आप, शायद परसों है, तो आप अभी से व्यवस्था कर लीजिए इन चीजों की, और ये रखिए।
तांबे के पात्र में ये सब चीजें आपको डालनी है, एक साथ मिक्स कर लीजिए सब एक तांबे के लोटे में या फिर जो भी पात्र हो आपके पास, उससे फिर आपको सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। ये शिव का मंत्र बोलते हुए आठों चीजें यहाँ मैंने मेंशन किया कर दी हैं, यहाँ इसे नोट कर लीजिए। ये सब चीजें एक तांबे के पात्र में मिला करके आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इससे अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इससे जो जो भी इस अर्घ्य को प्रदान करता है तो उसके पितर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होते हैं और वो स्वयं भी सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए बहुत विशेष समय है और मकर संक्रांति पर तो खास इस चीज के लिए ये है। बात करते हैं, सुनाग ऋषि हैं एक जो शिव भक्त हैं, वो कहते हैं कि मकर संक्रांति पर शिवलिंग का अभिषेक तिल पुष्प बिलपत्र और फलों के द्वारा जो शिवलिंग का पूजन करता है इस मकर संक्रांति पर, वो अपनी दरिद्रता का नाश करता है, सभी प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करता है। इस ये ऐसी व्यवस्था उन्होंने बताई है। इसलिए जैसा सामर्थ्य हो आपका, तिल पुष्प बिलपत्र और फल, जो भी फल आपको प्राप्त हो जाए, बिल प्राप्त होता है तो फिर इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। और दूसरे अच्छा बेलू फल के बारे में बता दूं, बेलू का जो पका हुआ फल होता है केवल उसी ही अर्पित करना चाहिए, कच्चे हरे फल को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, इसको तोड़ने से आपको पाप लगेगा। जो पका हुआ फल है यदि आप वो अर्पित करते हैं तो उससे पुण्य प्राप्त होगा, या फिर मार्केट से आप जो भी फल खरीद सकते हैं वो आप रखिए और पूजा में रखिए। नारियल भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, सेब, जो भी आपको प्राप्त हो उससे आप शिवलिंग की पूजा अवश्य करिए। इससे आपको शिव की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आपकी दरिद्रता का भी नाश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में रवि उत्तरायण होता है, जो रवि मकर संक्रांति होती है उसका बहुत ज्यादा पुण्य बताया गया, और सौभाग्यवश इस वर्ष यानी इस 15 जनवरी को रविवार ही है, इसलिए इस विशेष अवसर का, इस विशेष समय का लाभ आप अवश्य ही उठाइए। जानकारी कैसी लगी आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। मकर संक्रांति पर आप धूमधाम से, बड़े उत्सव से, बड़े चाव से, भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करिए और शिव की कृपा प्राप्त करिए, अपने पितरों का उद्धार करिए, स्वयं का उद्धार करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।